हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोपी, गोपी, गोपी। गोपी, गोपी। जी साहब। गोपी। आया साहब। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है ना कि रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती। जी सबला। जल्दी लेकर आ। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है दीपक? तुम्हें पता है ना कि गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीपक, कल सुबह इगतपुरी जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। माँ डार्लिंग, मूड तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, मूड तो वहाँ जाकर बन ही जाएगा। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे यही तो उम्र है रोमांटिक होने की। गोपी, गोपी। जी मैम साहब। गोपी, चाय के साथ थोड़ी सी बिस्किट भी ले आना। जी मैम साहब। गोपी, तुम्हारी इलायची वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, और तुम्हारी जैसी चाय ना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ए सुनो, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, कल सुबह में जल्दी उठा देना, हमें 6 बजे निकलना है। जी सर। जाओ। दीपक। हेमा। दीपक, दीपक, दीपक रेडी? नहीं साहब, अभी तक तो वो लोग सो रहे हैं। क्या, हमें 6 बजे बुला के खुद सो रहे हैं? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कुछ जलने की बुआ आ रही है ना। मुझे भी आ रही है, तो आओ देखते। दीपक, जरा उस सर्वेंट गोपी को बुलाओ। सर। गोपी, इधर आओ। सुनो, जरा अंदर चलो। सर। गोपी, कल रात जब यहाँ पे आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर, अपने कमरे में सो रहा था। तुम सो रहे थे? तुम्हारे साहब और मेम साहब यहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और तुम खर्राटे मार रहे थे।
ऐसी कौन सी नींद है तुम्हारी जो इनके चीखने पे या आग के धुएं से नहीं खुली? अरे नहीं सर, हमारा कमरा वहाँ नीचे है ना, वहाँ धुआं नहीं पहुंचा इसलिए। मगर चीखे तो पहुंची होंगी ना, कान में रुई डाल के सो रहे थे क्या? अरे नहीं सर, चीखे नहीं सुनाई दी, नहीं भाग के ना तुमने साहब को बचा था ना, वो तो थोड़ी सी पी। शर्मा लीजिए तुम्हें, अगर तुम शराब के नशे में नहीं होते तो शायद तुम्हारे साहब और मेम साहब आज जिंदा होते। अच्छा कल रात यहाँ पे और कौन कौन था? नहीं नहीं कोई और नहीं था, हम सिर्फ तीन लोग थे यहाँ पे। आखिरी बार कब मिले तुम अपने साहब और मेम साहब को? रात के 10:30 बजे साहब और मेम साहब को चाय पीने की आदत थी ना, सोने से पहले चाय पीते थे, कहीं चाय देने आया था तभी देखा। उस वक्त उन दोनों में क्या बातें हो रही, किसी बात से परेशान थे? ना ना बिल्कुल नहीं, वो तो आपस में मजाक कर रहे थे, जैसे शादी के नए जोड़े होते हैं वैसे ही बिल्कुल मजाक कर रहे थे। और मेम साहब ने तो मेरी तारीफ भी की थी, तुझसे चाय इलायची की चाय दुनिया में कोई नहीं बना, मुझे क्या पता था वो चाय उनकी जिंदगी की आखिरी चाय हो जाएगी। कमाल है, इस कमरे में आग लगी पर पलंग और गद्दे के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं जला। पर सर जब दीपक और रहीमा आग में जल रहे थे वो चुपचाप सोते रहे, वो चीखे क्यों नहीं, चिल्लाए क्यों नहीं, यहाँ से भागे क्यों नहीं? पर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दोनों को मार के बेड पे सुला दिया और बाद में आग लगा दी? अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि मार के सुलाया है या सुला के मारा है। एकदम सही, ये दीपक और हेमा वाकई इस हालत में नहीं थे कि अपने आप को आग से बचा सके। मतलब दोनों जख्मी थे? नहीं ब्रेडी, जख्मी तो कतई नहीं थे, क्योंकि ना तो इन दोनों के शरीर पर गोली का निशान था, ना किसी चाकू का निशान था, और ना ही किसी और तरीके की चोट का निशान। तो फिर इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? गैरी हैथर की वजह से। गैरी हैथर, ये क्या है डॉक्टर साहब? पूर्वी एक किस्म का केमिकल होता है जो अधिकतर एनेस्थीसिया या बेहोश करने की दवाइयों में मिलाया जाता है, और वही गैरी एथर मुझे इन लोगों की चाय में मिला। ओह, तो जब आग लगी थी तो दोनों बेहोश थे? बिल्कुल, इसलिए बेचारे ना तो चिल्ला सके और ना ही भाग सके। हाँ आओ बताता हूँ। ये देखो टेबल लैंप के इस वायर को शॉर्ट किया गया, अब जैसे ही ये टेबल लैंप जला होगा ये वायर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ और इतना गर्म हो गया होगा कि इसमें स्पार्क हुआ होगा और उस स्पार्क की वजह से आग लग गई होगी। ओह, तो आग इससे लगी? ये तो तुम लोग पता करो। आग कैसे भी लगी हो डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो पक्का है कि दोनों का खून हुआ है, एक मर्डर है। खूनी को मालूम था कि दोनों रात में सोने से पहले चाय पीते, इसलिए चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और दोनों को बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सर घर का नौकर गोपी कह रहा था कि रात को 10:30 बजे चाय देने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया था, रात को मेन गेट उसी ने बंद किया और फिर सुबह उसी ने खोला। सर तो कहीं ये सब गोपी ने तो नहीं किया? हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये काम अकेले गोपी के बस का नहीं है, कोई और भी है जो इसके साथ मिला हुआ है। पहले एक काम करते हैं, दीपक और हेमा इनकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री। जी हाँ, वो सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू सर। ये रही दीपक की जन्म कुंडली। वेरी गुड। पिछले 6 महीनों में
उस पर 2 बार हमला हो चुका है, पर किस्मत से वो दोनों बार बच निकला। और दोनों बार जब इस पे हमला हुआ तो ये मीटिंग के लिए अकेला जा रहा था। सर अगर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड दुश्मनी होती फिर तो उसे दीपक के पार्टनर मनीष को भी अपना निशाना बनाना चाहिए, सिर्फ दीपक ही क्यों? वही तो हैरानी की बात है सर, ये दीपक और मनीष हमेशा साथ साथ जाते थे मीटिंग करने के लिए, पर जिन 2 दिनों में दीपक पे हमला हुआ 7 मार्च और 14 मई को, तब मनीष उसके साथ नहीं था। मनीष कैसे साथ होता? दीपक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा मनीष को, और दीपक के घर बिना रोक टोक कौन आ जा सकता है? मनीष। दीपक सोने से पहले चाय पीता था, यह बात किसको मालूम होगी? गोपी और मनीष को। सर दीपक मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त था, दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था। अगर दीपक तुम्हें इतना ही प्यारा था तो उसका खून क्यों करवाया तुमने? क्या कह रहे हैं? मैं दीपक को क्यों मरवाऊंगा? 7 मार्च और 14 मई को जब दीपक मीटिंग्स के लिए जा रहा था तब उस पर जानलेवा हमले हुए थे। हुए थे या नहीं? जी हुए थे। और दीपक के साथ तुम हर मीटिंग में जाया करते? जी। तो फिर इन 2 मीटिंग्स में तुम दीपक के साथ क्यों नहीं गए? शायद मेरी किस्मत अच्छी रही। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं बल्कि ये दोनों हमले तुम्हें करवाए। लेकिन सर मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? क्योंकि दीपक के मरने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला, ये सारा बिजनेस तुम्हें मिल जा, तुम इसके अकेले मालिक बन जाते। वो तो दीपक नहीं मरता तब भी मैं मालिक बन जाता। क्या मतलब? ये दीपक इस बिजनेस से परेशान हो चुका था और उसने ये बिजनेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्यों? आइए मेरे साथ। दीपक बिजनेस इनकी वजह से छोड़ रहा था। ये तो धमकी भरी चिट्ठियां, ये चिट्ठियां कौन भेजता था? पता नहीं सर, है कोई गुंडा जो हर महीने हमसे 5 लाख रुपए मांगता था और कहता था अगर पैसे नहीं दोगे तो 5 लाख टुकड़े कर दूंगा। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर, दीपक इन चीजों की परवाह नहीं करता था और वो इस दादागिरी के सख्त खिलाफ था और मुझे भी वो पैसे देने से मना करता था। ये चिट्ठियां आती कैसे? कभी गाड़ी के कांच पर लगी हुई मिलती थी तो कभी ऑफिस के दरवाजे के नीचे मिलती। अरे साहब आप लोग ये क्या कह रहे हैं? साहब की चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाऊंगा आखिर में? ताकि दीपक और हेमा सोते रहे, कमरे में लगी आग से वो खुद को बचा ना पाए। इतनी घिनौनी हरकत तुम सपने में भी नहीं कर सकते। और साहब के साथ नमक हराम नहीं करने से पहले अपनी जान ना दे देते, समझ कर रखे आप लोग? देख ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं और सच तो ये है, थोड़े से पैसे के चक्कर में तेरा ईमान टकमगा गया, तूने अपने साहब और मेन साहब की जान ले ली, समझा? अरे झूठे साहब, ये झूठे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे ये सब करने के लिए बताओ? किसी ने नहीं दिए सर। तो फिर तुमने चाय में वो नशे की दवाई क्यों मिलाई? हां लैंप के साथ छेड़खानी क्यों की तुमने? बोलो शॉर्ट सर्किट क्यों किया? उस लैंप को मैं क्या छूंगा, मैं कैसे छेड़खानी कर सकता उसको? मुझे तो वो बाथरूम का जो पानी गर्म करने वाला होता वो भी चलाना नहीं आता, तो इसको क्या छूंगा सर? इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते, दीपक हेमा और तुम, जिनमें से 2 मर चुके तो बचे सिर्फ तुम। नहीं, कल एक आदमी और आया था, उसने लैब के साथ छेड़खानी की होगी, उसने छुआ होगा। कौन आया था? बिजली वाली दुकान में जो होता है ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला। हाँ इलेक्ट्रीशियन। कितने बजे आया था? 7:30 बजे। किसलिए आया था? वो बोला था कि हाँ साहब के कमरे का एसी ठीक करना। अच्छा तुमने बुलाया था उसे? नहीं मैंने नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया? साहब ने बुलाया होगा। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर, वो उस समय तुम्हें किचन में था, कब चला गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब सर वो इसी घर में कहीं छुपा हुआ था। हाँ और उसी ने मौका मिलते है चाय में नशीली दवाई मिलाई और स्लैम का शॉर्ट सर्किट कर दिया। मिल गया, 59 गीता मार्ग बलवंत नगर। हाँ सर, इस एड्रेस पर कल हमारा इलेक्ट्रिशियन गोपाल गया था सर। गोपाल को बुलाओ। मगर
आज तो वो काम पर आया नहीं सर। तो फोन करके जल्दी बुला उसे, जरूरी बात करनी है। सर मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं। बेचारा? कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो। दो दो फोन किया उसने। क्या फोन? सर मैंने तो उसे 3 दिन पहले काम पर रखा था सर। इस चक्कर में मैं तो नहीं फंस जाऊंगा ना। उम्मीद करो कि गोपाल जल्दी मिल जाए वरना फंस भी सकते हो। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो वोटो है? वाह, बिना फोटो या बिना आई कार्ड के तुमने किसी को भी ऐसे ही काम पे रख लिया? नहीं सर, मैंने तो आई डी कार्ड मांगा था। उसने कहा कि गांव में भूल गया हूँ, अगले हफ्ते उसका भाई आया तो लेके आएगा। उसका चेहरा तो याद है ना? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह। उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। पता तो चलिए गोपाल कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट करता फिर रहा है। सर उस इलेक्ट्रिशन ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की दीपक और हेमा को मारा। सर ना सिर्फ उसने उनके लैंप के तार के साथ छेड़खाने की बल्कि उनके चाय में बेहोशी की दवा भी मिला दी। मुझे तो लगता है कि एसी ठीक करने के बाद भी वो घर से गया ही नहीं होगा। वहीं पे कहीं छुप के बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कब वो दोनों वापस आएंगे और कब वो उनकी चाय में वो बेहोशी की दवा मिलाएगा। पर ये बात तो सिर्फ दीपक का नौकर गोपी ही जानता था कि उन दोनों को रात में चाय पीने की आदत है। सर मुझे तो लगता है ये गोपी भी इस जुर्म में शामिल है क्योंकि सर बिना किसी अंदर वाले की मदद के ये गुनाह कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। गुनाह किसी अंदर वाले ने किया है या किसी बाहर वाले की मदद से किया गया है ये तो स्केच की पहचान होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ श्रेया, अच्छा उस इलेक्ट्रिशियन का स्केच है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में, क्या नाम है उसका? ओके हाँ बोलो। अच्छा ठीक सर, वो इलेक्ट्रिशियन गोपाल एक तनुज नाम का पुराना मंझा हुआ अपराधी। तनुज? और वो धमकी भरे खत, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उन पे लगे हुए इंग्लिश के निशान बता दे कि वो रंगा नाम के मुजरिम थे। सर इस रंगा का भी पुराना रिकॉर्ड है, बिल्डर्स बिजनेसमैन वगैरह को धमका के पैसे मिले। तब ये तनुज रंगा के लिए काम कर रहा है। और सर रंगा ने शायद उन दोनों को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि दीपक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन सर हम इस रंगा तक पहुंचेंगे कैसे क्योंकि हमारे पास इसका कुछ अता पता भी नहीं है। निखिल, चूहे को बिल से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो? क्या है सर? चूहे के बिल के बाहर रोटी का टुकड़ा फेंको और आराम से बैठ के तमाशा देखो। इस रंगा नाम के चूहे को बाहर निकालने के लिए रोटी खिलाएगा मनीष, दीपक का पार्टनर मनीष। अच्छा हुआ जो तू खुद ब खुद आया, तेरे सिर पे रंगा का हाथ है, अब तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरे पैसे लाया ना? हाँ पूरे हैं, चाहे तो गिन लीजिए। हमें अपने क्लाइंट पर पूरा भरोसा होता है, तू कम पैसे देने की गलती कभी नहीं करेगा। अच्छा एक काम कर, बाहर निकल, ब्रीफ केस सड़क पे छोड़ और जा। ठीक है।
निकल। सीआईडी धोखा किया उसने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। सीआईडी के सामने धमकी देता है। विनीत गाड़ी में से बैठ निकालो। जाने दो मुझे, रंगा नाम है मेरा, रंगा। मेरा नाम से ही पत्ते थर थर कांपते हैं। और मेरा नाम दया है, मेरा नाम सुन के मुजरिम सूखे पत्ते बन जाते हैं। सब सब मुझे माफ कर दो साहब, सब अब शेर है, मैं चूहा हूँ साहब, मेरा आपका मुकाबला है साहब। दीपक को क्यों मारा? दीपक को मैंने नहीं मारा साहब, मैं दीपक को क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसके मरने के बाद भी मुझे पैसा कहाँ मिला साहब? साहब मैं तो छोटा मोटा गुंडा हूँ, छोटी मोटी धमकी देता हूँ, पैसे ऐंठता हूँ साहब। फोन करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता साहब। झूठ मत बोल, तू जानता था कि दीपक को मारने से बाकी बिजनेस वालों के दिलों में तुम्हारे नाम का डर बैठ जाएगा, इसलिए तुमने अपने साथी तनुज को वहाँ भेजा इलेक्ट्रिशियन बना के। सोच समझ के लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की, क्यों? मगर साहब तनुज अब मेरे साथ काम नहीं करता, एक महीना हो गया उसे मेरी गैंग छोड़े हुए। तो फिर ये तनुज किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं पता साहब। हाँ वो कह रहा था कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा साहब। कहीं दीपक की मौत के पीछे इस तनुज की गैंग का हाथ तो नहीं है? आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? कबड्डी? हाँ, कॉलेज के दिनों में तो बहुतों को चित किया हमने। पर ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? कुछ मैच वैच होने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं सर, दरअसल बात यह है कि तनुज के लेकर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आपस में कबड्डी कबड्डी खेल रहे, और जब तक उन सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं जाते तब तक मेरी सांस अटकी रहेगी। अच्छा चलो बताओ, कौन से सवाल है जो तुम्हारे पेट में उछल कूद रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि अगर तनुज रंगा की गैंग में है ही नहीं तो फिर उसने ये जुर्म क्यों किया? ना तो दीपक के घर से पैसे चोरी हुए और ना ही उसकी तनुज के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी तनुज की नहीं फ्रेडी, किसी और की थी। कोई तो है जिसे दीपक की मौत से बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, उसने ये सब करवाया है। सर एक अजीब सी बात पता चली। हा? क्या बात है? सर परसों हाईवे नंबर 47 पे एक एक्सीडेंट हुआ था किसी नरेश का, उसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों जलकर मर गए थे। अच्छा, उनका इस केस से कुछ लेना देना? हाँ सर, चार बातें एक जैसी इन दोनों केसेस में। पहली, नरेश की भी दीपक की तरह नई नई शादी हुई थी। दूसरी, नरेश और उसकी वाइफ दोनों ने खुद को आग से बचाने की कोशिश नहीं की। और तीसरी? तीसरी बात सर, उन दोनों की बॉडी में से भी वही कैरी हैदर नाम का केमिकल पाया गया जो इंसान को बेहोश कर देता है। और चौथी बात? चौथी और सबसे अहम बात सर, नरेश भी दीपक की तरह अमीर सक्सेसफुल बिल्डर था। बिल्डर? हाँ। है कौन ये सिर्फ बिल्डर लोगों को ही निशाना बना रहा है? इस नरेश और उसकी बीवी की बॉडीज कहाँ हैं? सर उन दोनों की बॉडीज पुलिस मॉर्ग रूम में है। एक काम करो, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर नरेश कुमार, इनके घर वालों से भी मिलना पड़ेगा। हमारी तो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है साहब, खूनी कौन होगा? मेरे बेटे की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब, किसी से दुश्मनी नहीं। और आपकी बहू प्रीति की? वो बेचारी तो यहाँ ज्यादा किसी को जानती तक नहीं थी, कनाडा में ही पली बड़ी थी। तो क्या उसने शादी के बाद यही रहने का मन बना लिया था? नहीं, बल्कि नरेश ने अपना बिजनेस छोड़ के प्रीति के साथ कनाडा जाके सेटल होने का प्लान बनाया था। यानी नरेश भी अपना बिजनेस छोड़ना चाहता था, बिल्कुल दीपक की तरह। अच्छा, ये नरेश अपना बिजनेस क्यों छोड़ना चाह रहा था, कुछ मालूम है आप लोगों को? वो हमसे बिजनेस की बातें शेयर नहीं किया करता था। तो क्या पिछले कुछ दिनों में वो परेशान था या उसे किसी तरह की धमकियां मिल रही थी? धमकियों का तो पता नहीं, लेकिन कुलभूषण की वजह से वो बहुत परेशान था। कुलभूषण की वजह से? ये कुलभूषण कौन है?
वो एजेंट जो मेरे बेटे को कनाडा जाने के लिए वीजा का इंतजाम कर रहा था साहब, लाखों रुपए ऐंठ लिए उसने लेकिन वीजा नहीं दिला पाया। ये वीजा ना दिलवा पाने पे क्या उसने आपके पैसे लौटाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि धमकियां और देकर गया कि अगर आप दोनों सलामती चाहते तो पैसों को भूल जाओ। तो आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी ना? लेना तो चाहता था पर डरता था कि कहीं बहू फंस न जाए। लेकिन आपकी बहू कैसे फंस सकती? क्योंकि प्रीति ने नरेश को कुलभूषण से मिलवाया था। आपकी बहू प्रीति ने? तो क्या प्रीति कुलभूषण को पहले से जानती थी? प्रीति कुलभूषण को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत पहले से। और उसने कहा था कि उसकी फैमिली का वीजा कराने में भी कुलभूषण ने उसकी मदद की थी। अब आपके बेटे और बहू की फोटो देख सकते हैं? वो दूसरे वाले घर पर है साहब। मेरे बेटे नरेश की मौत के बाद मेरा वहां पर मन नहीं लगता था साहब, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी साहब, मैं आज शाम तक आपको फोटो भिजवा देता हूँ। थैंक्स। लगता हमें भी कनाडा का वीजा लेना पड़ेगा इस कुलभूषण से। संभाल के भाई। भाई साहब, यहाँ का मालिक कौन है? मालिक? मालिक तो आपके सामने खड़ा है। तो आप हैं कुलभूषण? कुलभूषण मेरा किरायादार था जी, आज ही दुकान खाली करके चला गया। कुलभूषण चला गया? अरे चला क्या गया जी, मैंने उसे निकाल दिया। बहुत शिकायत थी उसके खिलाफ कि वो शराफत की आड़ में बहुत गैरकानूनी काम करता है। ए भाई साहब, ठीक तरह से निकालिए, कभी भी आ जाएगा कहेगा मेरा फोटो खराब कर दिया। भाई साहब ये बताइए कि आपके पास उसकी फोटो तो होगी ना? फोटो तो मेरे पास है, पर मैं आपको क्यों दिखाऊं? क्यों? देखिए, हम लोग सीआईडी से, और हमें शक है कि कुलभूषण का हाथ दीपक नाम के बिल्डर के खून में भी। वो दीपक कुमार जो दो दिन पहले अपने घर में जलकर मर गया था? जी हम उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये वो एग्रीमेंट है जिससे दुकान को मैंने किराए पर दिया था, मैं उससे सिग्नेचर करवाने लाया था, उसका फोटो इसमें है, देखिए। ये है कुलभूषण। सर लगता है ये दीपक भी इस कुलभूषण के चंगुल में फंस गया था, विदेश जाने के लालच। अब दीपक के परिवार वाले ही बताएंगे इस कुलभूषण का इतिहास। आप ठीक कह रहे सर, कुलभूषण ही वो एजेंट था जो दीपक को वीजा देने वाला था। देने वाला था मतलब वीजा दिया? नहीं नहीं दिया, पैसे भी पूरे ले लिए। जब भी हम लोग फोन करते यही कहता, आज दूंगा कल दूंगा, यही कह कह के हमें बेवकूफ बनाता रहा। दीपक ने तो बोल भी दिया था कि एक हफ्ते में वीजा बना के दे देना, नहीं तो पैसे लौटा देना, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। फिर क्या हुआ? हमने अपना बेटा खो दिया। अच्छा, अब दीपक को धमकी भरी चिट्ठियां आती थी, इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं, दीपक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, इस कुलभूषण को कैसे जानते थे आप लोग? हम नहीं जानते थे, हमारी बहू हेमा अच्छी तरह से जानती थी, उसी ने हमें मिलवाया था। पर हेमा तो बाहर पली बड़ी है, तो वो कुलभूषण को कैसे जानती थी? मुझे नहीं मालूम। नरेश को कुलभूषण से मिलवाया उसकी बीवी प्रीति ने, और दीपक को मिलवाया हेमा ने। और सर हेमा और प्रीति दोनों ही कुलभूषण को अच्छी तरह से जानती थी, विदेश में पली बड़ी होने के बावजूद। लगता है प्रीति और हेमा दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। ये तो पुराना पापी है, इतने सारे केसेस है इसके ऊपर 420 के। हाँ सर, ज्यादातर घपले इसने लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देकर किए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा दिलवाने का झूठा वादा करके ये लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था।
और इसके आखिरी दो शिकार थे दीपक और नरेश। मगर सर, इस रणदीप ने तो कई सारे लोगों को चुना लगाया होगा, तो फिर इसने दीपक और नरेश की जान क्यों ली? शायद उन दोनों को रणदीप की असलियत के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए रणदीप ने तनुज की मदद से दोनों को रास्ते से हटा दिया। सर, सर इसमें ये भी लिखा है कि ये रणदीप शादियां भी करवाता था, अमीर परिवारों के लड़कों के लिए एनआरआई बहुएं भी लाता था। अच्छा, एनआरआई शादियां, ये इस रणदीप की एक और तरकीब होगी लोगों को फंसाने की। सर, लगता है ये रणदीप उन्हीं लोगों को अपने जाल में फंसाता होगा जिन्हें या तो विदेश जाने का चस्का है या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों से शादी करने का। मगर हेमा इस रणदीप की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? दीपक के माता पिता ने बताया था ना कि कुलभूषण हेमा को काफी सालों से जानता था। पर सर, दीपक के माता पिता तो ये भी कह रहे थे कि हेमा ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी, फिर इसका इंडिया में रहने वाले 420 रणदीप से पाला कैसे पड़ गया? और नरेश के माता पिता भी कह रहे थे कि उनकी बहू प्रीति काफी सालों से कुलभूषण को जानती थी। सर, इस रणदीप ने पहले हेमा और प्रीति को अपने जाल में फंसाया और फिर उनके जरिए दीपक और नरेश को अपना शिकार बनाया। नरेश के पिता का एमएमएस, हमने उनसे प्रीति की फोटो मंगवाई थी ना, शायद वही होगा। हाँ सर, ये प्रीति है। सर, ये तो हेमा है। ये? इसका मतलब हेमा और प्रीति दोनों एक ही हैं? ये क्या चक्कर है? अब फोटो के अंदर घुस ही जाओगे के सालू के साथ? इतनी बारीकी से क्या देख रहे हो? हेमा की आंखें। नहीं तो क्या मिला कुछ आंखों में आपको? ढूंढ रहा हूँ भाभी जी, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेमा को हेटरोक्रोमिक एरिडोसाइसिलिया नाम की बीमारी थी या नहीं। हेटरोक्रोमिक एरिडोसाइसिलिया, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? बच्चे, एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिसका अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाती रहती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मतलब हेमा और प्रीति को ये बीमारी थी। अभिजीत, इन दोनों लाशों के ब्लड में तो मुझे इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन इस हेमा की आंखों में मुझे इस बीमारी का जरा भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों लाशों में हेमा नहीं है ना? हेमा की जगह किसी और को लाके जला दिया गया है। सर, अगर हेमा जिंदा है तो फिर वो गई कहाँ? और अगर ये लाश हेमा की नहीं है तो फिर है किसकी? सभी अस्पतालों से उन मरीजों की लिस्ट निकालो जिन्हें ये आंख वाली बीमारी थी, फिर देखते हैं उनमें से कौन कौन गायब है। पर आप लोगों को इस हेटरोक्रोमिक एरिडोसाइसिलिया के मरीजों की लिस्ट चाहिए क्यों? केस सॉल्व करने के लिए, हम लोग सीआईडी से। एक मिनट, बहुत रेयर बीमारी है ये सर, बहुत कम लोगों को होती है। ये है उन मरीजों के नाम। तो कम से कम 50 नाम है। श्रेया, काम करो, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो की लिस्ट निकालो और देखो इन मरीजों में कोई है क्या। का नाम है इसमें। सर, गौरी का भी है। एक की उम्र 24 साल और दूसरे के 26। ये देखो, दोनों की हाइट 5'3", बिल्कुल हेमा के जितनी। और इन्हें दूर से देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये हेमा नहीं है। सर, मतलब हेमा की जगह इन दोनों की लाश रखी गई। लाश? जी हाँ, लाश। हमें शक है कि आभा और गौरी इन दोनों का खून हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ सर, भगवान इन दो मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये दोनों तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश भी जाने वाली थी। विदेश जाने वाले थे?
अब बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां कुलभूषण से मिलने गई थी वीजा के लिए, और जैसे ही कुलभूषण ने इन दोनों लड़कियों को देखा कि ये दोनों हेमा जैसी दिखती हैं, उनका काम तमाम कर दिया उसने। श्रेय काम करो, जरा देखो इस लिस्ट में किसी का प्रोफाइल मैच करता है। सर। सर, सर है, ये पूनम इसकी प्रोफाइल हेमा के प्रोफाइल से मैच करती है। तो इसका मतलब पूनम की जान भी खतरे में है। सर ये रहा बंगला नंबर 23। सर पूनम यही रहती है। जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, लगता है एक और अमीर आदमी को मारने का प्लान है। चल अंदर बैठ। ए, जल्दी गाड़ी चलाए से पहले को आ जाए यहाँ पे। चल। आ जाएंगे नहीं, आ गए। कवर करो मुझे। यस सर। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं। हेमा मेरी भतीजी, वो चुन चुन कर अमीर लोगों को फंसा कर शादी करते, और मैं उन्हें वीजा का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। और जब तुम लोगों को महसूस हुआ कि ये मुर्गी और सोने के अंडे नहीं देगी, तो तुम लोगों ने दो दो खून कर दिए, एक लड़के का और उन मासूम बेचारी लड़कियों का जिन्हें आंखों की बीमारी है। हा? ये सब रणदीप का प्लान था। मैं तो तुमसे सुपारी लेकर खून करता हूँ। तुम्हारा अगला शिकार कौन है? और किसका करने वाला है? गौरव कौन? मशहूर बिजनेसमैन गौरव विक्रांत। वो इस वक्त हेमा से शादी कर रहा है। कहाँ ये शादी? शादी कहाँ है? जिस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो पल आ गया है। तनिषा, तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना मेरे जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। गलत। गलत? सबसे सही फैसला तो ब्राजील जाने का है ना गौरव?
गौरव ब्राजील जाए या ना जाए, तुम जरूर जाओगी जेल। जेल? आप लोग मेरी बीवी को जेल में डालेंगे? सिर्फ जेल में ही नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी बीवी को बड़े सम्मान के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। तनीषा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तनीषा नहीं, हेमा और प्रीति। क्यों, और भी बहुत सारे नाम है ना तुम्हारे? जाने दो मुझे, वरना अगले 5 सेकंड में इस कबूतर का भेजा फर्श पे पड़ा होगा। तनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मुझ पर गन डाल रही हो? अपने पति को जान से मारोगी तुम? सॉरी गौरव, वैसे भी तुम्हारी जीवन रेखा कम थी, लेकिन अब सीआईडी के आने से और कम हो गई है। 1, 2, 3, 4 जाने दो मुझे। जाने दूं? हम जानबूझकर वही परिवार ढूंढते जिन्हें एनआरआई बहू चाहिए थी, और फिर उन परिवारों का विश्वास जीतकर उनके साथ विश्वासघात करते हो तुम लोग। मैं चाचा जी को कुलभूषण बनाकर अपने ससुराल वालों से मिलवाती और खुद एक अच्छी बहू बनने का नाटक करती रहती। शादी जैसे पवित्र बंधन का गलत इस्तेमाल करके तुमने बहुत ही भयानक गुनाह किया है, तुम्हें तो फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.